Welcome to class 6. Till now, in class 5, you were studying EVS, which is the combination of social science and science. But from class 6 onwards, science is a separate subject and social science is a separate subject. Social science is also having 3 subjects, history, geography and civics. And today, I am going to explain history, chapter 1, what, where, how and when. So let's start. History is the study of past, and with the help of history, we come to know about the past. What type of people lived in the past, what type of food they ate, what type of clothes they wore, what type of house they lived in. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें हिस्ट्री के माध्यम से पता चलती हैं. Where did people lived? People lived near the bank of the river for several hundred thousand years. लोग ज़्यादातर वहीं रहना पसंद करते थे जहाँ पे उनको वाटर इजीली अवेलेबल हो. जस्ट बिकॉज वाटर इज़ एसेंशियल फॉर एवरीवन्स लाइफ. समटाइम्स पीपल किल्ड एनिमल्स आल्सो एंड दे वर द स्किल्ड गैदरर्स. और वो बहुत ही स्किल्ड गैदरर्स, मतलब वो फूड को गैदर्ड भी करते थे और बहुत सारी एक्टिविटीज़ वो करते थे. नाउ नेक्स्ट, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. देर आर सेवरल वेज टू फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. बहुत सारे वेज ऐसे हैं जिनसे हम अपने पास्ट के बारे में पता लगा सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन मैन्यूस्क्रिप्ट. मैन्यूस्क्रिप्ट इज़ रिटन ऑन पाम लीव्स और बर्क ट्री इन संस्कृत, प्राकृत और तमिल. मैन्यूस्क्रिप्ट जो होते थे बहुत ही सॉफ्ट सरफेस पे लिखे जाते थे, लाइक लीव्स पे जो कि पाम के होते थे या फिर बर्क ट्रीज होते थे. सेकेंड वन इज़ इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शंस इज़ ऑल्सो अ रिटन रिकॉर्ड बट इट इज़ रिटन ऑन द हार्ड सर्फेस लाइक क्ले, लाइक मेटल्स, स्टोन्स. इंस्क्रिप्शंस भी रिटन ही होते थे बट वो लिखे जाते थे बहुत ही हार्ड सर्फेस पे, जैसे कि क्ले होते थे, मेटल्स होते थे और स्टोन्स होते थे. एंड नेक्स्ट वन, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मीन्स थिंग्स मेड एंड यूज इन द पास्ट विच इज़ एक्सप्लोर्ड बाई आर्कियोलॉजिस्ट, लाइक बोन्स ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स के जो बोन्स होते थे, वॉट एवर स्कल्पचर्स भी फाउंड, जो चीज़ें हमको मिली हुई हैं, स्कल्पचर्स मिले हैं, सो मैनी कॉइन्स आ दे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जो कि हमें खुदाई के माध्यम से आर्कियोलॉजिकल के थ्रू, आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू हमें वी जस्ट फाइंड इट आउट जो हमको मिली हुई हैं. नेक्स्ट, वॉट डू डेट्स मीन्स. इफ समबडी आस्क यू द डेट, यू विल प्रोबेबली मैंशन द डे, मंथ एंड ईयर. 2000 एंड something. These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. जब हमको डेट के बारे में पता करना होता है तो जनरली हम डेट को कैसे फाउंड अप करते हैं, लाइक मोस्ट ऑफ यू वुड से दिस वॉर वॉज हेल्ड इन दिस ईयर, दिस थिंग्स हैपेंड इन दिस ईयर एंड सो ऑन. बट द एक्चुअल method to find out the date is with the birth of Jesus. So prior to the birth of Jesus and after the birth of Jesus, जब हमको डेट फाउंड करना होता है, डेट के बारे में पता लगाना होता है, तो हम प्रायोरिटी देते हैं कि जीसस के बर्थ के पहले या जीसस के बर्थ के बाद. When we say it's after the birth of Jesus, we say that AD means Anno Domini. जब हम किसी भी ड्यूरेशन को जीसस के बर्थ के बाद हमको बताना होता है तो हम उसको कहते हैं एडी, मींस Anno Domini, विच इज़ आल्सो नोन एज CE और कॉमन एरा. बट बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस वी कॉल्ड BC. लेकिन जीसस के बर्थ के पहले के जो हम एरा को अगर बताना होता है उसको हम कहते हैं BC और बिफोर क्राइस्ट. बिफोर क्राइस्ट इज़ आल्सो नोन एज BCE, मींस बिफोर कॉमन एरा. So this is all about the chapter 1 and I hope you will understood about the chapter. If you have any kind of problem, you can ask some questions in WhatsApp group and I have attached PDF also with this video. You can download this and just read the lesson thoroughly and stay home, stay safe. Thank you.